हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम साइंस। तो साइंस सेक्शन से हम ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जिनकी आपके एग्जामिनेशन में रहने की हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी। तो ट्राई कीजिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखने का। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप अगर शेयर करेंगे तो जो भी आपके फ्रेंड्स ये एग्जामिनेशन देने जाएंगे, यहाँ पे साइंस के क्वेश्चंस आते हैं, तो ये वीडियो हेल्पफुल रहने वाली है डेफिनेटली उनके लिए। सो अगर आप टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे ज्वाइन करना चाहते हैं, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। साइंस सीरीज़ का ये मैं पार्ट 6 लेके आया हूँ। पुराने पार्ट्स नहीं देखे हैं, एक बार प्लेलिस्ट में जाएं, साइंस प्लेलिस्ट सर्च कीजिए, वहाँ आप ऑलरेडी 1 to 5 पार्ट्स हैं वो अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सो पार्सेक इज़ द यूनिट मेजरमेंट ऑफ, तो पार्सेक किसका मेजरमेंट है यूनिट? तो आपको बिल्कुल सही आंसर होगा इसका। तो सो दोस्तों, आपने बहुत सी टाइम सुना होगा ये जो पार्सेक टर्म है, ये यूज़ होती है फॉर एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस मेजरमेंट। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन हम इवन 6 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो आप देखना, कभी भी आप एग्जामिनेशन देखने जाएंगे तो आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आपकी 6 to 10th की NCERT रहती है साइंस की, वहाँ से पिकअप किए जाते हैं। ये क्वेश्चन मैंने 6th से 10th की जो भी NCERT के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ही पिक किए हैं, और ये क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में तो आते ही है। तो दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। द सॉलिड वेस्ट इज ऑल्सो नोन एज, तो दोस्तों आजकल आप बहुत ज़्यादा सुनते होंगे, इवन ये टॉपिक जो है करंट का टॉपिक भी है, ठीक है ना। ये आने का, ये क्वेश्चन आने का बहुत ज़्यादा चांस रहेगा, क्योंकि ये सॉलिड वेस्ट के कारण हमने देखा है कि रिसेंटली हर बहुत सी स्टेट्स ने वेस्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट भी सेटअप करने स्टार्ट कर दिए हैं। तो सॉलिड वेस्ट को किस नाम से और जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है स्लज के नाम से। सो सॉलिड वेस्ट इज ऑल्सो नोन एज स्लज। मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। नेम द गैस विच इज फाउंड इन ए अबंडेंस ऑन अर्थ इन कंबाइंड स्टेट एंड इन फ्री स्टेट विद अदर एलिमेंट। तो ऐसी कौन सी गैस है जो बहुत ज़्यादा अबंडेंस में पाई जाती है इन कंबाइंड स्टेट और फ्री स्टेट में? तो बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन ए ऑक्सीजन। द सलाइवा हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग, तो दोस्तों ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। इवन हमने देखा था ये पटवारी एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि सलाइवा किसके डाइजेशन में हेल्प करता है। तो बिल्कुल सही आंसर है स्टार्च। बहुत से स्टूडेंट्स इसका आंसर फैट्स लगा के आते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, ध्यान रखना। सलाइवा हेल्प करता है इन द डाइजेशन ऑफ स्टार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल हाईली पोल्यूट द वाटर, तो दोस्तों ये तो एक बिल्कुल एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मिस मत कर देना। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये एग्जामिनेशन में आपके इवन HES तक में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। तो कौन सा ऐसा मेटल है जो हाईली पोल्यूट करता है वाटर को? तो दोस्तों बिल्कुल सही आंसर है इसका आर्सेनिक। तो ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना इस क्वेश्चन को। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करने से पहले यही कहूँगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना। बेल आइकन को प्रेस करने के बाद आप चाहें तो अपनी जिस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। तो दोस्तों अभी का अभी लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, क्योंकि बाद में आप भूल जाएंगे, ऐसा जनरली होता है। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द लोएस्ट लेयर ऑफ एटमोसफियर इज, तो आपको बताना है कि एटमोसफियर की लोएस्ट लेयर, तो राइट आंसर है इसका ट्रोपोस्फीयर, ठीक है। तो द लोएस्ट लेयर ऑफ एटमोसफियर इज ट्रोपोस्फीयर, ऑप्शन सी। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, ट्रोपो स्ट्रेटो मीजो और थर्मो, जितने भी ओजोन से रिलेटेड चीज़ें होती है वो कहाँ होती है? स्ट्रेटोस्फीयर में। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इन फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम ए गैस विच इज़ यूज्ड इन मेकिंग ऑफ क्लोरोफॉर्म, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये इवन आप +1 +2 में अगर आप इवन या फिर आप बोल के चले 11th की या फिर 12th की जो NCERT रहती है वहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत से बार पूछा भी जाता है, और वहीं से ये MCQ मैंने लिया है। तो कौन सी गैस है जो यूज़ होती है इन मेकिंग ऑफ क्लोरोफॉर्म? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मीथेन। तो मीथेन का अगर आपसे केमिकल फॉर्मूला भी पूछ ले तो भी आप याद रखना CH4। तो दोस्तों ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं इसलिए आपको अच्छे से देता हूँ ताकि कभी भी आप एग्जामिनेशन देने जाएं तो अगर सपोज करो आप वहाँ पे मीथेन नहीं लिखा है और अगर उसका केमिकल कॉम्पोजिशन लिख दिया CH4, तो आपको पता होना चाहिए कि ये किसकी बात कर रहा है वहाँ पे। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। साथ में नोट्स बना रहे हो अगर आप, तो ये सारे पॉइंट्स प्लीज़ नोट डाउन करते जाना, फिर बाद में मत कहना कि ये क्वेश्चन हमने पढ़ा है पर हमें याद नहीं आ रहा, क्योंकि क्वेश्चन वही है, बस पूछने का नज़रिया अलग एग्जामिनर का हो सकता है। द स्टडी ऑफ फिजिकल फॉर्म एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड एट, तो जो स्टडी होती है फिजिकल फॉर्म एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट, इसको बेसिकली क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है फाइटोमॉर्फोलॉजी।
तो फाइटोमोर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फिजिकल फॉर्म एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स। तो जितने भी पौधों की फिजिकल फॉर्म और अगर हमने उसकी बाहरी स्ट्रक्चर की अध्ययन करना तो उसको करेंगे अंडर हम फाइटोमोर्फोलॉजी। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एन एग्जाम्पल ऑफ हॉर्मोन इज, तो इनमें से आपको बताना है कि एग्जाम्पल कौन सा है हॉर्मोन का। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए साइटोसाइन। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। आई होप अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि जितना भी वीडियो के मेरे अपडेट रहते हैं वो आपके तक पहुंचते रहें। इसके अलावा कोई भी क्वेरी हो, डाउट हो, कमेंट करके आप फीडबैक की फॉर्म में दे सकते हैं। वीडियो कैसा लगा वो भी आप कमेंट करके जरूर बताएं ताकि हम अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आई हो या फिर कहीं क्वेश्चन समझाने में मेरी प्रॉब्लम हो तो मैं उसको इम्प्रूव कर सकूँ। तो चलिए दोस्तों, अपना कीमती समय मुझे देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत जल्दी मिलते हैं हम ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। थैंक यू सो मच।